हेलो फ्रेंड्स, मीतूस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिपब्लिक डे के लिए बहुत ही टेस्टी यम्मी केक बनाने वाले हैं। ये केक आप ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल घर की चीज़ों से, बहुत आसान सी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और आप सभी को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए फटाफट से केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तिरंगा केक बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, तो सबसे पहले हम इस बाउल में 1/4 कप ऑयल डालेंगे, 1/2 कप दही डाल देंगे, 1/2 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। और यहाँ मैंने ये 1 चम्मच वेनिला एसेंस लिया है, वेनिला एसेंस डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो एक छन्नी लेंगे, इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से इसमें छान लेंगे ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो सके। सभी चीजों को मैंने अच्छे से छान लिया है, तो अब हम इन सभी चीजों को आपस में कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करते हुए मिक्स करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर कट करेंगे। तो ये मेथड का यूज करते हुए हम सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने 1/2 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कैसी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर को बनाना है। और इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/2 कप दूध लिया था, उसमें से 1 बड़ा चम्मच के करीब दूध हमारा बच चुका है। अब हम बैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने बर्तन को जिसमें हमें केक को बेक करना है उसे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है, ये मैंने एक हैवी बॉटम का बर्तन लिया है। इसमें मैंने एक थोड़ा सा नमक डाला है नीचे, ये मेरा बार बार यूज़ किया हुआ नमक है। और ये एक स्टैंड रख लिया है, तो इस तरीके का कोई भी स्टैंड आप रख लें, अगर स्टैंड नहीं है तो कोई प्लेट रख लें या फिर कोई फैली हुई कटोरी रख लें। तो यहाँ मैं इसे एक प्लेट से ढक दूंगी और मीडियम फ्लेम पर हम इसे प्री हीट कर लेंगे। और इतने हम अपना जो केक का बैटर है उसे तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे 3 अलग अलग भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ मैंने ये 3 बाउल्स लिए हैं, इन बाउल्स में हम ये बैटर को बराबर बराबर मात्रा में डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक स्पून ले लिया है, स्पून की हेल्प से हम इनमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के बराबर बराबर ले लेंगे। तो बैटर को मैंने 3 अलग अलग भागों में बांट लिया है, तीनों बैटर मैंने बराबर बराबर लिए हैं। तो इसमें से 1 बैटर हम साइड में रखेंगे और इन 2 बैटर में हम फूड कलर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बैटर में एक ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी से भी कम ग्रीन फूड कलर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कलर हमारा आ चुका है। तो हमारा ग्रीन बैटर बिल्कुल रेडी है, ग्रीन बैटर को साइड में रखेंगे। और अब हम यहाँ ये दूसरा बैटर लेंगे और इसमें हम ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है, इसे भी हम कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये हमारा ऑरेंज कलर भी रेडी हो गया है। तो अब हमारे तीनों कलर रेडी हैं, ये देखिए वाइट, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये तीनों कलर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम अपना केक बनाना स्टार्ट करेंगे। आज जो हम केक बनाएंगे वो हम बिना किसी मोल्ड के बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ मैंने ये डिस्पोजेबल कंटेनर लिया है। ये कंटेनर बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही चीप पड़ता है, तो आज हम इसमें केक बनाएंगे। तो यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे ऑयल से ग्रीस करूँगी। इसे ऑयल से हम अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन लेयर डालेंगे, सबसे नीचे हम इसमें ये ग्रीन लेयर फैला देंगे। ग्रीन कलर डालने के बाद हल्का सा टैप कर लेंगे। अब हम इस पे ये व्हाइट लेयर डालेंगे। व्हाइट लेयर को आपको इसे इस तरीके से सारे कोनों से फैलाते हुए डालना है ताकि ये सब तरफ अच्छे से स्प्रेड हो सके, क्योंकि उसके बाद हम इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से टैप नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए आपको इसे फैलाते टाइम ही थोड़ा सा ध्यान से फैलाना है। तो व्हाइट लेयर को भी मैंने अच्छे से इसमें फैला दिया है। अब हम इस पे ये ऑरेंज कलर की लेयर डालेंगे। इसे भी हमें इसी तरीके से साइड से फैलाते हुए डालना है। तो हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। इसे हमने इसमें सेट कर लिया है, हल्का हल्का सा टैप किया है। अब हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे। बर्तन हमारा प्रीहीट हो चुका है, तो अब हम इसमें अपना केक का बैटर रखेंगे। केक के बैटर को मैंने एक प्लेट पे रख लिया है, तो बड़ी ही सावधानी से हम इस बैटर को इसमें रखेंगे। तो वापस मैं इसे ढक दूंगी, गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम 30 से 35 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे। 35 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। देखिए केक इतने अच्छे से फूल चुका है। तो यहाँ मैंने एक टूथपिक ली है, इसे मैं इसमें डालकर एक बार चेक करूंगी। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, टूथपिक एकदम क्लियर आई है। इसका मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। तो अब हम इसे इस बर्तन में से निकाल लेंगे। केक हमारा बेक हो चुका है, मैंने इसे बर्तन में से निकाल लिया है और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसे इसमें से बाहर निकालेंगे। तो ये बहुत इजीली बाहर निकल आता है। एक प्लेट लेंगे, प्लेट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और केक को हम ऐसे उल्टा कर देंगे। इसे हमने उल्टा कर लिया है और हल्का सा थोड़ा सा टैप कर लेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से हमारा केक इसमें से निकल आया है। बहुत इजीली केक बन चुका है और बहुत ही बढ़िया लेयर्स आ गई है केक में। तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हम इसका ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हल्का हल्का सा शार्प नाइफ से कट कर लेंगे। चाकू की हेल्प से मैंने इसको साइड से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लिया है। ये देखिए, इसके साइड से मैंने इसे हल्का हल्का सा ट्रिम किया है और ऊपर से भी हल्का सा इसका जो उठा हुआ भाग था उसे भी ट्रिम कर दिया है। तो केक हमारा रेडी है, अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ मैं इसे आज चॉकलेट गनाश से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये 100 ग्राम्स व्हाइट कंपाउंड है, व्हाइट चॉकलेट है, मार्केट में बहुत इजीली मिलती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह मिल्की बार चॉकलेट का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ले ली है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में चॉकलेट डालेंगे और उसमें हम ये फ्रेश क्रीम डाल देंगे। तो मैं इसे माइक्रोवेव करूंगी 20 सेकंड के लिए। तो मैंने इसे 20-30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा व्हाइट चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 3 डिफरेंट कोन बनाऊंगी इसके मैं और उन्हें फिल करूंगी। इसमें मैं फूड कलर यूज करने वाली हूँ। इसमें हम एक ऑरेंज फूड कलर यूज करेंगे, एक ग्रीन फूड कलर यूज करेंगे और एक पार्ट को हम व्हाइट ही रहने देंगे। तो इस तरीके से इस मेल्टेड चॉकलेट से मैं 3 कोन रेडी करूंगी। तो मैंने व्हाइट चॉकलेट से 3 तरीके के कोन रेडी कर लिए हैं। व्हाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का कोन रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने केक को डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम व्हाइट लेयर लगाएंगे, थोड़ा मोटा मोटा व्हाइट कलर की लेयर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाएंगे। अब इसके बराबर में ग्रीन कलर की लेयर लगा देंगे। फिर हम इस पे ऑरेंज कलर की लेयर लगाएंगे। अब हम फिर से इस पे व्हाइट कलर की लेयर को लगा लेंगे और इसी सीक्वेंस में करते हुए पूरे केक को हम इन चॉकलेट से भर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से पूरे केक को क्रीम से डेकोरेट कर दिया है। तो लेयर्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें टूथपिक की हेल्प से डिजाइन बनाएंगे इन पे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से सीधा सीधा टूथपिक से ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में टूथपिक को चलाएंगे। बची हुई क्रीम से हम इसके साइड को भी इसी तरीके से डेकोरेट कर देंगे।
तो मैंने केक के साइड को भी इसी तरीके से डेकोरेट कर लिया है और अब हमारा केक पूरी तरीके से रेडी है। इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसे पीस में कट करेंगे। तो केक हमारा सेट हो चुका है, अब मैं इसे आपको पीस में कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है, कितने बढ़िया लेयर्स आई हैं इस पे और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही इजी तरीके से हमने अपने 26 जनवरी के केक को डेकोरेट कर लिया है। इस 26 जनवरी पे आप ये केक बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है खाने में।